दिवाली की राम राम। दिवाली आप सबके जीवन में समृद्धि लाए, खुशहाली लाए, प्रगति लाए और आप सबके प्रयासों से समाज के सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं बूंदी आरतिया संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने आज इस मंडी प्रांगण के अंदर दिवाली स्नेह मिलन के माध्यम से आड़तियों, व्यापारियों और विशेष रूप से हमारे अन्नदाताओं को, जिनके अथक प्रयासों से, जिनकी कड़ी मेहनत से, जिनके पसीने से आज कोटा का नाम, बूंदी का नाम पूरे देश के अंदर है। मुझे खुशी होती है कि जब मैं देश के बाहर में जाता हूं और देश के बाहर भी उन देशों के अंदर जो एग्रीकल्चर में सबसे प्रोग्रेसिव देश है, विकसित देश है, उन देशों के अंदर भी बूंदी के बासमती चावल की महक है और उस बूंदी का मैं प्रतिनिधित्व हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले नीदरलैंड गया था। नीदरलैंड एक एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेसिव, हॉलैंड जिसे कहते हैं, बड़ा प्रोग्रेसिव देश है और कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन और दुनिया की सबसे बढ़िया आधुनिक और खेती करने के लिए उसकी अपनी एक पहचान है। लेकिन शाम को जब वहां के एम्बेसडर ने रात्रि भोज दिया तो उसमें मुझे कई चावल के व्यापारी मिले और उन्होंने आग्रह किया कि कुछ टेक्निकल कमी के कारण हम आपके बूंदी के बासमती चावल यहां नहीं बेच पा रहे और हमारे इलाके के अंदर, इस देश के अंदर, देश के अलावा अन्य यूरोपीय देश के अंदर भी बूंदी के बासमती चावल की बहुत डिमांड है। कुछ दिन पहले मुझे ईरान के स्पीकर मिले थे। ईरान के स्पीकर ने भी यही कहा, कुछ प्रतिबंध का हवाला दिया, कुछ आपस में द्विपक्षीय संबंधों का हवाला दिया और आग्रह किया कि बूंदी के चावल बासमती विशेष रूप से उनकी बहुत बड़ी मांग है। दुबई के अंदर भी इसी तरह की मांग है। उस दिन मेरे को बहुत गर्व हुआ, मेरे उस बूंदी के किसानों को प्रति, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कार्यकुशलता से कम संसाधन होने के बाद भी बूंदी के चावल की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम किया और उसकी खुशबू की महक दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। मैं जब अभी हरिमोहन जी बता रहे थे, और बता रहे थे कि कोटा बूंदी एयरपोर्ट रहना चाहिए, आप दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर जाए मैं 3 देशों में गया और 3 देशों के अंदर मैंने देखा, इटली के अंदर अगर कोई पहचान है तो बूंदी की पहचान है,
मैं जितने देशों में गया उसमें अगर राजस्थान की कोई पहचान है तो एक पहचान महाराणा मेवाड़ की पहचान नजर आई और दूसरी पहचान बूंदी की आई। ये बूंदी की पहचान केवल भारत में नहीं दुनिया के अंदर। और मैं तो कोटा बूंदी का सांसद हूं, मैं जरूर पैदा कोटा में हुआ, मेरे पिताजी बूंदी के गांव में पैदा हुए। जब कोई पूछता है कि आपका गांव क्या है तो गांव तो हमेशा मेरा बूंदी का ठीक रह रहेगा। ये बूंदी की पहचान, और बूंदी की पहचान केवल बासमती चावल से नहीं, बूंदी की पहचान यहां के चावल, चावल मील, यहां की भिंडी, यहां के मटर, जितनी भी सब्जियां हैं, और विशेष रूप से नई तकनीकी खेती बूंदी के आसपास के इलाकों के अंदर अमरूदों की होने लगी है। तो बूंदी के अंदर मुझे लगता है कि एक दिशा हमारी यह भी बन रही है कि किस तरीके से बूंदी को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक बड़ा हब बना दें। और प्रोडक्शन के हब बनाने के लिए हमें एक नई तकनीकी आधुनिक खेती करने की आवश्यकता है। हम परापंक खेती के अंदर किस तरीके से नई तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं, जो नए दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, इनोवेशन होते हैं, उसका कैसे उपयोग यहां पर कर सकते हैं, और कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, और उत्पादन के साथ उसका प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन बढ़ाकर देश और दुनिया में बेचने का काम करना। और इसीलिए अभी कुछ किसान दिल्ली गए थे, किसान मेले में अगले दिन मैं भी पूसा के उस प्रगति मैदान में गया, और मैं इसलिए देखने गया कि वहां पर देश के बढ़िया स्टार्टअप, जो हमारे युवा वैज्ञानिकों ने जो नए एग्रीकल्चर में रिसर्च किया, इनोवेशन किया, उनकी प्रदर्शनी उन्होंने लगाई। तो मुझे मंत्री जी का आग्रह आया कि अगर आप आएंगे तो उचित रहेगा, और मुझे तो खुद इच्छा थी जाने की। मैं वहां पर गया, मैंने देखा किस तरीके से हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों ने एग्रीकल्चर के अंदर नए रिसर्च किए, खेती की आधुनिकता को भी और हमारे पुराने प्रोसेस को कि किस तरीके से हम कम फर्टिलाइजर से ज्यादा उत्पादन करें। और फर्टिलाइजर वो होना चाहिए जैविक रूप से फर्टिलाइजर। और मुझे आशा है कि जो कुछ भी मैं देश और दुनिया में जाकर एग्रीकल्चर को देखता हूं, मैं अभी जब भी किसी देश में जाता हूं, मेक्सिको गया तो वहां की यूनिवर्सिटी में गया, नीदरलैंड गया तो वहां की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया, और मेरा जाने का एक ही मकसद रहता है कि वहां पर जो कुछ भी नए रिसर्च हो रहे हैं उन रिसर्चों को यहां की प्राकृतिक, यहां का वातावरण, यहां का मिट्टी, यहां का पानी, उसकी अनुकूलता को देखते हुए कैसे हम किसान की आमदनी को बढ़ा सकें। और इसीलिए जनवरी के अंदर यहां पर जितने भी जो देश के बढ़िया एग्रीकल्चर में काम करने वाले स्टार्टअप हैं उनका जनवरी में हम मेला लगाएंगे, प्रगतिशील किसानों से आग्रह करेंगे। उसमें से कुछ चीजें जो संभव हो सकती है, कुछ किसान कुछ इलाके में कर देखें, अगर उनके परिणाम अच्छे आते हैं तो हम और किसान को प्रेरणा मिलेगी, और अच्छे परिणाम होंगे तो और किसान को प्रेरणा मिलेगी। एक हम एग्रीकल्चर का एक बेस्ट प्रोडक्शन हब और उसके साथ उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का हम बूंदी को बना सकते हैं।
और इसकी बहुत बड़ी संभावना है मेरे मन में है। मुझे लगता है कि जो सपने देखता है, जो आकांक्षा पालता है, उसको पूरा करने का प्रयास भी करता है। आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मेरी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जो दायित्व मुझे मिला है उसके जितने भी संपर्क हैं उन संपर्कों का लाभ बूंदी को मिले, कोटा को मिले, ताकि हम यहां के किसानों को प्रगतिशील बना सके, कुशल बना सके, परंपरागत खेती में भी, नई आधुनिक खेती के अंदर भी। क्योंकि देश के अंदर जब तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, देश प्रगति नहीं कर सकता। कोरोना के महामारी के समय हमने देखा कि किस तरीके से देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही भारत की आर्थिक स्थिति को बनाकर रखा। शहर में कोई बच्चा काम करता था, नौजवान काम करता था 15-20-25 हजार में, उसको 2 साल तक वहां नौकरी मिली तो गांव में जाकर रखकर 2 टाइम की रोटी का इंतजाम गांव में उसको। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी आर्थिक तंत्र की धुरी है। और मुझे खुशी है कि कई सारे चावल मिल यहां पर लगी है, कुछ सब्जियों के प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे हैं, और जो भी संभावनाएं बन सकती है देश के जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, एग्रीकल्चर में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनसे मेरा लगातार आग्रह रहता है कि आप जाएं बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर हमारे चावल, सब्जियां, हमारे आने वाले समय फल फ्रूट, बहुत संभावनाओं का क्षेत्र है। और मुझे लगता है एक दिन इसके बेहतर परिणाम आएंगे। विशेष रूप से जब मैं आज मंडी में आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ किसान मुझे मिले और किसानों ने बताया कि हम 5 घंटे से 7 घंटे से ट्रैक्टर लोग ट्रोली लेकर खड़े हैं। मुझे जब किसान कोई खड़ा रहता है और वो रात तक इंतजार करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने अभी सेक्रेटरी साहब को बुलाया, मैंने कहा आप पूरा मंडी का नए सिरे से प्लान तैयार करो, जहां जहां भी यार्ड बनते हैं उनके प्रस्ताव बनाकर भेजो ताकि हम मंडी के नए यार्ड बना सके, कुछ बंद यार्ड, कुछ खुले यार्ड। और जो मंडी का जितना बड़ा इलाका है उस इलाके के अंदर रोड लाइट के प्रस्ताव बनाकर भेजें, रास्ते में लोगों को पीने की पानी की व्यवस्थाएं हो। मंडी नहीं कर पाएगा, जन सहयोग से CSR से मैं कराऊंगा, लेकिन किसानों को एक आधारभूत ढांचे की सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसान को रात्रि में रुकने का विश्राम स्थल होना चाहिए, उसके भोजन की पानी का व्यापक इंतजाम होना चाहिए, और उसके माल की तुलाई, माल का ऑक्शन इस पारदर्शिता से होता है। मैं कोटा मंडी भी गया था और मुझे खुशी है कि हमारे व्यापारियों के प्रति किसान और व्यापारियों का बहुत भरोसा है और ये भरोसा कायम भी रहना चाहिए कि मंडी के अंदर किसान अपनी उपज को लाता है और आढ़तियों व्यापारियों के भरोसे छोड़ देता है और आढ़ती व्यापारी भी इतनी ईमानदारी से ही काम करते हैं। ये हमारे संबंध और मजबूत होने चाहिए। और अब किस तरीके से हमारे माल का ज्यादा से ज्यादा पैसा दिला सकते हैं, इसका प्रयास हमेशा व्यापारियों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि समय लगेगा, आप निश्चित मानो कुछ समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में जो मैंने समस्याएं देखी है उन समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। और मैं यहाँ के विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी भी बैठे हैं, दोनों से भी आग्रह करूंगा कि लगातार जिस स्तर पर प्रयास करते हैं करते रहें, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं निश्चित रूप से बात करूंगा। और हम इस मंडी को एक बेहतरीन एग्रीकल्चर का हब बना पाए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी के साथ साथ बूंदी के व्यापारियों ने भी मुझे कुछ बातें कही थी, विशेष रूप से यहाँ की
सड़कों के बारे में मैंने चेयरमैन साहब को उठाए थे, जब मैंने आग्रह किया, आज भी मैंने बात की है। मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब हरिमोहन जी ने कहा है कि हम उटको से सहमति दे देंगे, आप सहमति दे देंगे तो उटको से लोन लगाकर हम बूंदी की सड़कों को ठीक करा दें, क्योंकि महिलाएं जाती तो पकड़ लेती है ये सड़कें टूट रही है, कब ठीक होगी। मेरा मन पीड़ा में बहुत होता है। हम जो प्रयास, आप जो प्रस्ताव भेजेंगे, क्योंकि राज्य में भी बात करूंगा, सरकार किसी भी दल की हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, लेकिन हमारे लिए पहले इस इलाके की जनता है। दलों की राजनीति से विकास नहीं हो सकता, उसके चश्मे से देखा भी नहीं जाता। मैं कोई श्रेय लेना भी नहीं चाहता, ये सब सबके सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाता है। चाहे कोटा का कोटा बूंदी का एयरपोर्ट हो, और एयरपोर्ट के बारे में भी समय समय पर लोग सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था, उन्होंने भी सहमति दी। सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी, जब मैंने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की। लेकिन फॉरेस्ट का प्रोसेस आप जानते हैं, एक जैतपुर से खटखड़ की सड़क के लिए अगर इतनी गंभीरता से प्रयास नहीं हो तो उसमें फ्लाईओवर का बना दे। अब फ्लाईओवर का पैसा 140 करोड़ रुपया, अब 140 करोड़ राज्य सरकार इतने से रोड के लिए कहां से लाएगी? तो फॉरेस्ट के काम को जो दलेलपुरा का भी हरिमोहन जी ने जिक्र किया, फॉरेस्ट के कारण कई बूंदी के काम अटके हुए हैं। एक एक काम को हम जैसे ही राज्य से निकलता है प्रोसेस करके दिल्ली जाता है, मैं दिल्ली में कोई काम को कभी अटकने नहीं देता। जब दिल्ली मेरे कब्जे में कोई काम आ जाता तो उसकी डेली मॉनिटरिंग होकर हम काम को स्वीकृत कराने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि बूंदी की सड़कों के मामले के अंदर भी हम इस तरीके से प्रयास करेंगे। हरिमोहन जी ने खेल मैदान के लिए कहा है, खेल मैदान का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। एजेंसी से कहा है कि जल्दी काम शुरू करें ताकि खेल मैदान हमारा तैयार हो जाए। इसी तरीके से कुछ पसाड लाइट का विषय था, वो पसाड लाइट का विषय भी क्लियर हो गया है। नगर परिषद सहमति दे देगी तो लाइट का खर्चा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन रात को जब लोग बूंदी देखेंगे तो पर्यटकों को एक आकर्षण का केंद्र लगेगा। मैं तो चाहता हूं कोटा का आदमी भी बूंदी में आके किले बावड़े देखे, ऐसा हम इस शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। यहाँ की सुंदरता, यहाँ के किले, यहाँ की बावड़िया, ये पर्यटन का स्तर है। रामगढ़ गेंद सेंचुरी की भी प्रगति चल रही है। आप निश्चित मानो बूंदी के विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जिस स्तर पर भी प्रयास हो सकते हैं, किसी भी स्तर पर जाकर प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी की एक अपनी पहचान है, बूंदी शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, हमारी पुरातत्व संस्कृति की धरती है, और इसलिए बूंदी के विकास में किसी तरह की कमी न रहे, आप निश्चित मानिए आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा है। जो कुछ भी आपके मन में विचार, जो कुछ भी बातें सुझाव आती है, मैं सारे विचारों सुझावों को पूरा करने का प्रयास करता हूं, और जहां तक मेरी क्षमता है उस पूरी क्षमता से मैं काम करने की कोशिश करता हूं। कुछ समय आने में मुझे देरी जरूर हो जाती है, क्योंकि मेरे आपने एक और जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते दी है, लेकिन फिर भी मैं जब भी होता हूं बूंदी आने का प्रयास करता हूं, यहाँ के लोगों की बात को सुनता हूं। कुछ चीजें यहाँ पे मानदाता का विषय भी हरिमोहन जी ने उठाया है, उस विषय में मैंने जिला कलेक्टर को कहा है कि भाई इस प्रोसेस को जल्दी से शुरू करें, यहाँ के लोगों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करने का काम हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार भी इस स्तर पर गंभीरता से प्रयास करेगी, सबकी भावनाओं को रखे, और इसी तरीके से बूंदी के अंदर कुछ जो चीजें
अभी प्रोसेस में है। हरिमोहन जी के मित्र हैं धारीवाल जी, मैं भी बात करता रहता हूं उनसे कि वह 135 करोड़ रुपए का जो उनका वादा है उसको प्रोसेस में डाले ताकि जल्दी पूरा हो। 135 करोड़ अगर रुपया बूंदी में लग जाएगा तो मुझे लगता है कि बूंदी का सिनेरा परिवर्तन हो जाएगा। मैंने भी उनको आग्रह किया कि बूंदी आपका ही है, इसको किस तरीके से बूंदी के अंदर पैसा आ सकता है उसकी चिंता करें, क्योंकि नगर परिषद की एक लिमिटेड आय होती है, नगर परिषद की बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है, क्योंकि नगर विकास न्यास कोटा में तो जमीन बहुत होती है तो पैसा बहुत होता है। इसलिए जो रेवेन्यू मॉडल है उस रेवेन्यू मॉडल में सरकार की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, जहां कहीं भी केंद्र सरकार की आवश्यकता होगी आप निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत